पंच भाषा जो सात भागों में विभाजित थी। पहला भाग अर्धमालवी, अर्धमालवी, दूसरा सोरसेनी, पेशाची, खस, प्राचड, महाराष्ट्री और मालवी, ये इसके सात भाग थे। अर्धमालवी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, पूर्वी हिंदी विकसित हुई। सोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती जो भाषा है उसका विकास हुआ है। पेशाची, पेशाची से पंजाबी और नैंधा भाषा है उसका विकास हुआ है। खस, खस से पहाड़ी हिंदी है वो विकसित हुई है। प्राचड, प्राचड से सिंधी भाषा है वो विकसित हुई है। महाराष्ट्री, महाराष्ट्र से मराठी भाषा है, महाराष्ट्री है, उसका विकास हुआ है। मागधी, मागधी से बिहारी, असमिया, उड़िया और बंगला, इन भाषाओं का विकास हुआ है। ये अभ्रंश के वो विविध रूप थे जिनके माध्यम से आगे आधुनिक आर्य भाषा है वो विकसित हुई है। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो जो आधुनिक आर्य भाषा विकसित हुई है उसका पहला चरण है कहें तो जो सोर्स है अपभ्रंश है। आधुनिक आर्य भाषा, आर्य भाषा जो 1000 से ईस्वी से लेकर वर्तमान तक है तो वो विकसित हुई है अपभ्रंश से ही। अपभ्रंश से उसकी जन्मदात्री रही है, उसी से ही आगे विकसित हुई है। तो सबसे पहले सोरसेनी को ही हम उठाते हैं। सोरसेनी से विकसित हुई पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी और गुजराती, ये इसके तीन पार्ट हैं। सोरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती ये विकसित हुए। उसके बाद में जो अर्धमालवी पे हमने चर्चा की उससे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी भी आगे अनेक जो उसकी शाखाएं हैं वो बनी है और सोरसेनी की भी शाखाएं जैसे पश्चिमी हिंदी वो भी अलग अलग चरणों में विभाजित हुई है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी हिंदी को ही उठाते हैं। पश्चिमी हिंदी से जो विकास हुआ है वह है खड़ी बोली का, खड़ी बोली, पार्श, बुंदेली, बांगरू या हजारवी और कन्नौजी। सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित जो पश्चिमी हिंदी है उसकी आगे पांच बोलियां और विकसित हुई है। एक किस्म से कहें तो अपभ्रंश की ये जो सात थी वैसे मुख्य तौर पर पांच उपभाषाएं स्वीकार की गई है, उनका विकास भी हुआ है। जो पांच मुख्य उपभाषाएं स्वीकार की गई है अपभ्रंश की, जिसमें सोरसेनी, अर्धमालवी, अर्धमालवी के बाद में मालवी, इनसे विकसित हो रही है उसमें पश्चिमी हिंदी कहें, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये मुख्य तौर पर रही है। इनसे आगे ये पांच उपभाषाएं हैं, पांच उपभाषाओं से आगे 17 और बोलियां हैं वो विकसित हुई है। तो सबसे पहले हम सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं उसी पर परिचर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले खड़ी बोली को उठाते हैं। पश्चिमी हिंदी से विकसित खड़ी बोली, खड़ी बोली का जो क्षेत्र रहा है वो रहा है देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अम्बाला, यमुनानगर, इसके आसपास का क्षेत्र है वहां ये खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। और खड़ी बोली जो वर्तमान में हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं उसी से ही ये वर्तमान में जो हिंदी हम प्रयोग करते हैं वो खड़ी बोली का ही सुविकसित रूप है। और खड़ी का अर्थ है खरी, यानी अंग्रेजी में इसको कहें तो प्योर, उससे ही विकसित हुआ है यह बोली। हमारी धीरे धीरे सुधार होते हुए आज राजभाषा के पद पर भी काबिज हो चुकी है, राजभाषा प्रदेश में स्थान बना लिया है। खड़ी बोली का जो क्षेत्र बताया है यानी देहरादून, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
हरियाणा से संबंधित कहें तो यमुनानगर, अंबाला का कुछ भाग, पंचकुला का कुछ भाग, यहां जो बोली है ये बोली जाती है। उसके बाद में अगला क्षेत्र बर्ज, बर्ज बर्ज क्षेत्र है, ये गायों विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां गायों को चराया जाता है उसको बर्ज कहा जाता है। और बर्ज भाषा या बर्ज जो रही है वो भक्ति काल के अंदर इसका बड़ा अहम बड़ा रोल रहा है, क्योंकि कृष्ण काव्य जो लिखा गया है वो बर्ज भाषा में लिखा गया है, बर्ज में इसका प्रयोग हुआ है। बर्ज भाषा का क्षेत्र रहा है वो मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बर्ज भाषा का क्षेत्र रहा है। फरीदाबाद का कुछ भाग, होटल के आसपास में बर्ज भाषा है वो बोली जाती रही है। बुंदेली, बुंदेली का क्षेत्र है बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, सागर, ओरछा, ये क्षेत्र है वहां बुंदेली भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है। और बुंदेली के प्रसिद्ध जो कवि रहे वो ईश्वरी रहे हैं, बुंदेली भाषा के अंदर लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। उसके बाद में बांगरू, बांगरू को हरियाणा भी कहा जाता है, हरियाणा जो क्षेत्र रहा है इसके अंदर जो प्रयोग की जाती रही जो भाषा है बोली है उसको हम बांगरू कहते हैं। इस बांगरू के या हरियाणवी के भी पांच पार्ट और बने हैं जो अलग अलग भाषाओं के जो सम्मिलित रूप है उससे युक्त इसको बनाया गया है। इसका मुख्य जो क्षेत्र रहा है वो रोहतक, जींद, दिल्ली का देहाती क्षेत्र, वहाँ इस बांगरू भाषा का प्रयोग है वो होता रहा है। कन्नौजी, कन्नौजी, कन्नौज का जो जनपद था पुराने दौर में कहें कन्नौज जनपद, उस जनपद के अंदर इस बोली का प्रयोग किया जाता था। इसका जो मुख्य क्षेत्र रहा है, मुख्य जो केंद्र बिंदु रहा है वो इटावा रहा है, इटावा के अंदर इस बोली का प्रयोग बहुलता से होता है। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, आगे जो राजस्थानी है उसी पर चर्चा करते हैं। राजस्थानी नाम से विदित है, राजस्थानी राजस्थान के अंदर जो बोले जाने वाली भाषा है उसको राजस्थानी कहते हैं। राजस्थानी के भी पांच पार्ट थे, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, ठुंडानी, जिसको जयपुरिया भी कहा जाता है, और जो कहें ये उसके मुख्य मुख्य पार्ट थे, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरिया या ठुंडानी, ये जो उसके आधार बिंदु है वो क्षेत्र विशेष की खूबियों के आधार पर बताए गए हैं। जैसे मेवाती तो राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है इसके आसपास में मेव बहुल जो क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ इस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मेवाती कहलाई है। मारवाड़ी, मारवाड़ी भाषा पुराना जो मारवाड़ जनपद हुआ करता था उसमें जो बोली बोली जाती है उसको मारवाड़ी कहा जाता है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ अजमेर का क्षेत्र, जोधपुर का भाग, तो वो मारवाड़, मारवाड़ कहा जाता था, वहाँ इस बोली का प्रयोग है वो होता है। ठुंठाणी ये जयपुर के आसपास में, इसको जयपुरिया भी कहा जाता है, और जयपुर, जयपुर अजमेर किशनगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ इस बोली का कुछ प्रयोग होता है। उसके बाद में कहें मालवी, मालवी जो राजस्थान के मानचित्र के अंदर हम देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो नीचे का भाग है वहां इसका केंद्र बिंदु रहा है मालवी का। खासकर कहें तो मालवा का जो क्षेत्र कहें, मालवा का प्रयोग, मालवा क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, उस मालवा, मालवा क्षेत्र में इस बोली का प्रयोग है वो बहुलता से होता है। इंदौर, उज्जैन, इंदौर के आसपास में, इंदौर उसका कहें तो मुख्य केंद्र बिंदु रहा है जहां ये बोली बहुलता से प्रयोग की जाती रही है। उसके बाद में गुजराती, ये गुजरात के अंदर बोली जाती है, गुजरात की बोली है इसलिए इसकी गुजराती के नाम से भी जाना जाता है। अगले चरण में हम पढ़े, अगले परिदृश्य पे हम चर्चा करें तो जो अर्धमागधी है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी से जो बेसिक बोलियां या भाषाएं रही है उसमें अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी रही है, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी, ये तीन मुख्य बोलियां भाषाएं रही है। अवधि राम काव्य से संबंधित जितनी भी जो रचनाएं हैं या ज्यादातर जो रचनाएं हैं वो अवधि भाषा में लिखी गई है।
पुराना अवध जो प्रांत था, अवध का जो क्षेत्र था, उसमें इस अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। वैसे तो ये भाषाएं की बोलियां हैं, इस अवधि बोली का कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसका प्रयोग होता रहा है। अवधि का जो आधार बिंदु है वो अयोध्या कह लीजिए, यानी फैजाबाद उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला है, रायबरेली है, इलाहाबाद का कुछ भाग है, पीलीभीत है, लखनऊ है, इसके आसपास में इसका खूब बहुलता से प्रयोग होता है अवधि बोली का। बघेली, बघेली का आधार बिंदु है रीवा, बघेली रीवा के आसपास में बोली जाती है, यानी अवधि से थोड़ा सा नीचे का पार्ट कहें तो वहां बघेली बोली का प्रयोग खूब होता है। बघेली का जो आधार बिंदु है वो रीवा ही है, रीवा में ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य, बघेली में लोक साहित्य बहुत लिखा गया है और कहें इसकी प्रसिद्धि का आधार बिंदु भी लोक साहित्य ही है, लोक साहित्य के द्वारा ही अपनी ख्याति है वो अर्जित किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के अंदर बोली जाती है। वर्तमान युग में दौर में कहें तो जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इसके अंदर इस बोली का प्रयोग किया जाता है, तो इसी के कारण इसको छत्तीसगढ़ी कहा गया है। ये रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, यहाँ इस बोली का खूब प्रयोग किया जाता है। अगले चरण में चले हम उपभाषा की तीसरी जो मुख्य उपभाषा है वो है बिहारी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की जो मुख्य बोलियां रही है उसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली, और मैथिली ये तीन उसकी मुख्य बोलियां रही है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, भोजपुरी बोली का जो क्षेत्र रहा है वो रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं वाराणसी, उसके अतिरिक्त बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ का कुछ भाग, यहाँ ये बोली है, इस भोजपुरी बोली का साहित्य है या भोजपुरी बोली उसका प्रयोग किया गया है। भोजपुरी बोली में लौकिक साहित्य है, इसके साथ में सिनेमा जगत में भी भोजपुरी बोली है वो अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। भोजपुरी का क्षेत्र या भोजपुरी बोली है वो लोक साहित्य के साथ साथ में अपना स्वरूप है वो विकसित कर रही है धीरे धीरे, और कहें तो जनसंचार के माध्यमों के द्वारा इस भोजपुरी बोली का विकास बहुत हुआ है। उसके बाद में मगही बोली पे हम चर्चा करें। मगही है ये पटना, गया और पलामू के आसपास में बोली जाती है, यानी इससे थोड़ा सा आगे का क्षेत्र, यानी पूर्व की ओर हम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसके जो आगे का भाग है पटना, गया, पलामू, वहां इस मगही बोली का प्रयोग है वो होता है। उससे आगे थोड़ा और चले तो मैथिली, दरभंगा, कहें पूर्णिया, ये जो जिले हैं बांग्लादेश से सटे हुए, बांग्लादेश की तरफ, तो इस मैथिली भाषा का प्रयोग है। मैथिली भाषा का जो कहें तो मैथिली शरण, मैथिली भाषा का जो लोग कवि या मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति है उसने इस भाषा का खूब विकास किया। उसके बाद में वर्तमान में भी मैथिली भाषा है वो अपना वजूद है वो बनाए हुए है। उसके बाद में उपभाषा के अगला जो चरण रहा है वह पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी जो खस अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसके तीन रूप प्रचलित हैं, हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। हिमाचल में वो जो बोली जाती है उसको हिमाचली कहा जाता है, शिमला से मोर के आसपास का जो बोली है वो हिमाचली के नाम से जानी जाती है। गढ़वाल उत्तराखंड का, उत्तराखंड जो दो मंडलों में विभाजित है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, तो गढ़वाल मंडल में श्रीनगर, टिहरी के आसपास में जो बोली जाती है उसको गढ़वाली बोली कहा जाता है, यानी उत्तरकाशी, श्रीनगर, टिहरी, तो ये जो जिले हैं वहाँ गढ़वाली बोली का प्रयोग होता है। कुमाऊनी उत्तराखंड का पूर्वी जो भाग है जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, यहाँ कुमाऊनी बोली है
उसका प्रयोग किया जाता है, कुमाऊँ बोली का वर्चस्व रहा है, वहाँ इस बोली का प्रयोग खूब हुआ है। ये बोलियाँ और उपभाषाएँ मुख्य मुख्य बोलियाँ और उपभाषाएँ थी। बच्चों जो हमने शुरुआत की थी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, तो हिंदी जो है वो वर्तमान में हम जो प्रयोग करें वो खड़ी बोली से विकसित हुई है। खड़ी बोली जो मैंने बताया प्योर या शुद्धता की परछाया या खड़ी पाई के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको कारण हिंदी है, वो विकसित हुई है। तो हिंदी के बारे में एक धारणा भी है, तो हिंदी नाम है वो किस प्रकार से पड़ा, कैसे ही आया। जब ईरानी लोग या तुर्क लोग जब भारत में आ रहे थे, भारत में उन्होंने अपना भारत की तरफ आए तो उनने सिंधु नदी के आसपास में जो रहने वाले लोग थे उनकी भाषा, उनके लिए उन्होंने जो शब्दों का उच्चारण किया, जो शब्दों का प्रयोग किया, वहीं से हिंदी का विकास हुआ है। ईरानी भाषा के अंदर सह को है के रूप में उच्चारित किया जाता है, तो जो सिंधु लोग थे उनके लिए उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया और उनकी जो बोली थी उसकी बोली के लिए उन्होंने हिंदी शब्द प्रयोग किया। सिंधी भाषा थी उनकी, सिंधी के लिए उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इसी से हिंदी का प्रत्यय वगैरह लगाकर इसका विकास हिंदी के रूप में हुआ है। और वर्तमान में ये हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा के रूप में भी है, पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में ये पिरोए हुए हैं। यही इसका विकास क्रम रहा है, मुख्य मुख्य जो क्षेत्र है वो रहे हैं।